आज की इस जो न्यू कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग में, तो उसमें बहुत ही बड़ी बड़ी विंडो होती है, तो उसको साफ करना एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट होता है, स्पेशली पीछे से। आप देख सकते हो इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है, तो अंदर से तो हम इजीली क्लीन कर सकते हैं स्टूल पे चढ़ के, लेकिन जब बाहर से क्लीन करना हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ तक ही क्लीन कर सकते हैं, इसके ऊपर तक हमें कुर्सी पर चेयर पे चढ़ के क्लीन करना पड़ता है। तो अगर आपको पसंद नहीं है ऊपर चढ़ के, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की भी होता है बहुत ज़्यादा हाइट पे, तो आज की इस वीडियो में हम बिना कुर्सी पर चढ़े कैसे विंडो पीछे की साइड से, स्पेशली पीछे की साइड से क्लीन कर सकते हैं वो देखेंगे। ये जो विंडो है वो एकदम ब्रॉड है, तो हाथ भी नहीं पहुँच सकते अगर हम ऊपर चढ़ते हैं फिर भी सेंटर तक, तो उसके लिए आप प्लास्टिक या तो लकड़ी की कोई भी चीज़ ले सकते हैं लंबी वाली। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये पाइप अवेलेबल है, ये एकदम वेस्ट पाइप है, कोई भी हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाएगी। साथ में मैंने यहाँ पे इस तरह से लिया है, अगर आपके पास इस तरह का जॉइंट टूल ना हो तो सिंपली आप इस तरह से रस्सी से यहाँ पे बांध कर सिक्योर भी कर सकते हो, यहाँ पे बांध कर इस तरह से यहाँ से आप सिक्योर कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये है इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी पुराना वाइपर यूज़ कर सकते हो जिसको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे होल जो है वो एग्जैक्टली इसकी जो विथ है उसके हिसाब से ही है, इसीलिए मैं डायरेक्टली इसमें फिट कर रही हूँ। अगर ऐसा होल ना हो इसकी जो डायमीटर है उसके हिसाब से, तो आप सिंपली रस्सी से इसको बांध कर सिक्योर कर सकते हो। तो ऐसी कोई भी पुरानी जो वाइपर हो उसको हम फेंकने की जगह पर विंडो क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम कोई भी एक कपड़ा यूज़ करेंगे जिसको हम डबल लेयर में या तो फिर तीन लेयर में इस तरह से बांध देंगे। आपको थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल वाला यूज़ करना होगा, इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इस तरह से फिट कर देंगे। आपकी जो लेंथ है कपड़े की उस हिसाब से आप इसको इसका फिटिंग कर सकते हो। अब इसको हम क्लिप यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये सिक्योर रहेगा। क्लिप लगाओगे तो आपको अगर कपड़ा चेंज करना हो तो आपके लिए भी इजी रहेगा। ये कपड़े का डबल लेयर होना ज़रूरी है तो ही यहाँ पे ज़्यादा गीलापन मेंटेन रहेगा। अब ये मैंने पकड़ा हुआ है तो आप देख सकते हो इजीली ऊपर तक ये जा रहा है, हमें ऊपर चेयर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम इस तरह से घिस के विंडो क्लीन कर देंगे। अगर कपड़ा गंदा हो जाए तो हम इजीली इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आप इसकी एज देख सकते हो कितनी मैली हो गई है, तो विदाउट ज्यादा मेहनत किए हम इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही पीछे शिफ्ट कर दिया, अब ये एज एकदम क्लीन है, तो वापस हम दूसरी साइड साफ करेंगे। दूसरी साइड तो ये हम दूसरी साइड इस तरह से क्लीन कर देंगे। तो बिना ऊपर चढ़े आप इजीली विंडो जो है वो पीछे की साइड से स्पेशली क्लीन कर सकते हो, तो आपके लिए सेफ्टी भी रहेगा। तो बहुत ही यूजफुल है, मैं ये दो तीन साल से इसी तरह से साफ करती हूँ स्पेशली पीछे की साइड की विंडो, ताकि कुर्सी पर चेयर पर हमें ऊपर चढ़ना ना पड़े। तो आप भी एक बार ट्राई करना, अगर आपके पास इस तरह से नहीं है तो कोई भी जो लकड़ी होती है उसके साथ हम डायरेक्टली यहाँ पे सिक्योर करके विंडो क्लीन कर सकते हैं। ऑल्सो विजिट फूड गणेशा हिंदी यूट्यूब चैनल फॉर किचन रिलेटेड टिप्स एंड रेसिपीज।